शान में
और फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाए हैं, ये वो शहीद है कर्बला का कि जिसने अगर तारीख के इख्तलाफ से गुरेज किया जाए कि जो मशहूर रिवायत है, तो ये वो शहीद है जिसने खयाम हुसैनी तक पानी पहुंचाया नहीं होते अशुरा, उसके बावजूद भी सबका कहलाता है। ये वो शहीद है जो बाजू कटा के शहीद हो गया नहीं कहलाता है। इस्लाम में शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है, बल्कि यूं कह दूं कि गाजी के वो फजाइल नहीं है जो शहीद के फजाइल होते हैं। हजरत अब्बास की फजीलत यह है कि वो शहीद है और ऐसे शहीद है जिनके लिए चौथे इमाम ने कहा कि मेरे चचा को जो मनसर रोज़े क़यामत मैसर होगा खुदा की तरफ से तमाम शुहदा नश्र करते हुए दिखाई देंगे। यानी इमाम हुसैन अगर सैयद शुहदा है तो उस सैयद के बाद जो शहीदों का सरदार है उसे अब्बास कहते हैं, उसके बाद आखिर वो गाजी रहने की वजह क्या है। गाजी उसे कहा जाता है जो मैदान में जाने के बाद जंग को फतह करके जीत के वापस आ जाए। आज दुनिया में आप देखते हैं कि हर जगह सैयद शुहदा का मातम मनाया जा रहा है। ये मातम असल में हुसैनी फतह का ऐलान भी है कि कर्बला में हुसैन जीते हैं, यजीद हारा है, और ये फतह का जुलूस जिसके जेर साया निकलता है वो अलम अब्बास है। तो इसी फतह के जुलूस की सालारी अब्बास कर रहे हैं, लिहाजा शहीद भी कहलाते हैं, गाजी भी कहलाते हैं। सलवात अले मोहम्मद और अले मोहम्मद। यह हमीदाबाद को सजाने की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, अफकार के कितने चार जलाओं की रोशन हो सके। छठे इमाम फरमाते हैं अपने सादिक अलैहिस्सलाम, ईमान में सालिक थे, ईमान की सुलभ थे, और आसमान कर तो जवानों के लिए ईमान की रीढ़ की हड्डी थे मेरे चचा अब्बास। लेकिन कर्बला में हम देखते हैं कि बसीरत हजरत अब्बास की, इसे मौका कम मिला है कि ईमान की इताअत से अलग हो के जाहिर हो, इसलिए कि अब्बास ने अपने को इताअत मौला में इस कदर राशिक कर दिया है, अपनी बसीरत को बसीरत हुसैन में ऐसा जम कर दिया है कि अब कर्बला में अलग से अब्बास की बसीरत का मुजाहरा नहीं हो रहा है, बल्कि बसीरत अब्बास बसीरत हुसैन बन गया। अब हुसैन जो चाहते अब्बास को कर रहे हैं। एक जुमला यहां पे कह दूं, अरबाब एहसासो अदब तशरीफ फरमा है कि अब्बास शजाअत के जिगर के साथ इताअत के दिल का नाम है। अब्बास जहने फहीम ही नहीं है, अब्बास कल्बे सलीम भी है। वो दिल जो हुसैन की इताअत में पेश पेश है उसे अब्बास कहा जाता है। काना अम्मुल अब्बास नाफिजुल बसीरा, जो बसीरत में नाफिज है मेरे चचा अब्बास। ये ईमान सुलभ है, रीढ़ की हड्डी है मेरे चचा अब्बास। यह अब्बास जिसे अइम्मा ने सलाम कहा है, इसकी शान में हदीसें हैं, रिवायतें हैं, अलहाव हैं, इतने ज्यादा अलहाव शख्सियत के लिए है कि अइम्मा की फहरिस्त से नजर हटाई जाए तो किसी शख्सियत के इतने अलहाव नहीं देते हजरत अब्बास के। आपका लखब सत्ता भी है, आपका लखब हामिलुल लिवा भी है, आपका लखब अबुल फरजा भी है। इसमें फरज कहा जाता है, दुआए फरज आप पढ़ते हैं, उसमें जो अल्फाज आते हैं फरज यानी दूर करो, मुसीबतों को दूर करना, अबुल फरजा। अब्बास को अबुल फरजा इसीलिए कहा जाता है कि बाप मुश्किल कुशा है, जो मुश्किलात को दूर करने वाला है। तो अब्बास भी मोमिनीन की मुसीबत
मुसीबतों को दूर करने वाले थे, और फकत मोमिनों की मुसीबतों को नहीं, दुआ के फकरे और इस्तेगासा के फकरे ये हैं, या काशिफल करे हम वजहिल हुसैन, ते हुसैन के चेहरे से परेशानी को दूर करने वाले, इश्क करनी बेहद अखी कर हुसैन, अपने भाई के सदते में हमारी भी परेशानी को दूर कर दे, तो हुसैन का ये भाई अबुल फरजा भी है, बाबुल हमायत भी है और बाबुल हुसैन भी है। अगर हाजतें पूरी करानी है तब भी इसी तहरीर पे आना है, अगर हुसैन तक पहुंचना है तब भी इसी दरवाजे पे आना है। जैसे रसूल तक पहुंचने के लिए बगैर बाबे अली तक आए जाने का नहीं है, और उसी तरह हुसैन तक पहुंचने के लिए बाबे अब्बास पे आए बगैर इंसान पहुंच नहीं सकता। यह बाबुल हुसैन, वह है बाबे मदीनतुर रसूल, बाबे मदीनतुल इल्म। बल्कि तारीख के जब मनाजिर देखता है इंसान तो बेसहारा रह जाता है कि इस्लाम के जो तीन अहम महाज है, एक मक्के की सरजमीन है, एक मदीने की जमीन है, करबला की जमीन है, अल्लाह ने तीन शख्सियतों को तबलीगों हिफाजत दीन की गरज से जो भेजा है, तीन वहां में मक्के में अबू तालिब है, मदीने में अली है, करबला में अब्बास है। मैं अक्सर कहता हूं कि मदीने के अबू तालिब को अली कहते हैं, मक्के के अली को अबू तालिब कहते हैं, पर करबला में भी हजरत अब्बास अब्बास नहीं है, बल्कि ये करबला का अली है जो वक्त के मोहम्मद की हिफाजत के लिए आया हुआ था। ये वो बहादुर है कि अगर जिसकी बहादुरी का बयान हो तो एक तवील वक्त दरकार है। चंगेज सिफीन गवाह है आपके बहादुरों की, जिस तरह से मैंने कल बयान किया था हजरत कासिम की शजाअत को, हजरत कासिम ये तरबियत याफ्ता है, हजरत अबुल फतेह अब्बास है। यहां अर्जा के चार बेटे हैं जिन्हें हजरत कासिम तहतियत कर रहे हैं, सिफीन के मैदान में इब्ने शारजा के साथ देते हैं, जिन्हें अब्बास की तलवार वक्त नहीं होती है काटते हुए। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मुकाबले पे आए थे, सीने अम्र पर बैठ गए, और बैठने के बाद जब गुस्ताखी हुई तो फिर उतर आए, और उतर के बताया कि मैं जिहाद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा खुदा राजी हो जाए, यह जिहाद नफ्स के लिए नहीं है। मौला आपको उठने की जरूरत क्या थी, सीने पर बैठे बैठे यह अमल हो जाता, किसी को पता भी ना चलता। मौला जवाब देंगे कि मैं गूंगी तारीख के दहन में जबान देना चाहता हूं कि देखो अली का जो जिहाद है वो नफ्स के लिए नहीं खुदा के लिए है, लिहाजा जो अली के चाहने वाले हैं वो हर अमल में रिदाए इलाही को मद्देनजर रखें। बखंदक में अली हैं, करबला में अब्बास हैं, यहां अली अम्र के सीने से उठ जा रहे हैं, करबला में अब्बास चिल्लू में पानी लेके फेंक दे रहे हैं, दोनों जगह तारीख को जबान दी गई कि देखो अब्बास अपने नफ्स के लिए जिहाद करने नहीं आया है, मकसद हुसैन के खैमे तक पानी पहुंचाना है, पानी पी लेना नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह आवाज का तार टूटता रहेगा, रोशनी गुल होती रहेगी, आप खैमे हुसैन में बैठे रहिए, बस रोशनी बुझती रहे, रोशनी जलती रहे, आप हुसैनी खैमे में मौजूद रहिए। इब्ने शासा जंगे सिफीन अपने खैमे में आराम से लेटा हुआ, बुलाया गया, कहा मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं 1000 के मुकाबले पे तनहा काफी हूं। कहा नहीं, एक ऐसा बहादुर मैदान में आया है जिसका मुकाबला करने से फौजें कासिर हैं। उसने कहा मेरे 7 बेटे हैं, भेज दे उन्हें। आगाज छोटे से हुआ, जैसे करबला में हजरत कासिम के मुकाबले पे हुआ था, 7 बेटों को उस नकाब पोश ने वासिले जहन्नम कर दिया। लेकिन मकातिल में जो अंदाजे जंग मिलता है वो अजीब है कि बहादुर जो रहवार पे बैठा हुआ है,
सारा बदन साकित है, सिर्फ कलाइयां जुम्बिश में है, तलवार गर्दिश कर रही है। कलाइयां जुम्बिश में है, तलवार गर्दिश करती जा रही है, और जिस्म दो नीम होता चला जा रहा है। मैं कहूंगा दुनिया ने करबला की कलाइयों का जोर सिफीन में देखा है, अगर बाजुओं का जोर दिखाते तो क्या होता। ये कलाइयों का जोर है कि इब्ने शरसा के सातों बेटे वासिले जहन्नम हुए, और ये भी आया तो ये भी मारा गया। अगर पहली मर्तबा खुद ही चला आता तो कम से कम अपने बेटों को बचा लेता, लेकिन ये अरबों की वो अनानियत थी कि खुद भी मारे गए, बेटों को भी कटवा दिया। बादी दो अनानियत ये ऐसी तेग है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, कभी फायदा नहीं पहुंचाती है। मारा गया इब्ने शरसा भी, सातों बेटे भी। एक हरास फैल गया फौज में, एक खौफ की लहर दौड़ गई। याली आपने तो कहा था अब मैं मुकाबले पे नहीं आऊंगा, ये आप फिर आ गए। लेकिन मौलाए कायनात जब ये मंजर देख रहे हैं, एक मर्तबा दूर की सफ़ों से अलहदा हुए, मैदान में आए, और आने के बाद आका अबुल फजल अब्बास के बराबर अपने रहवार को रोका, और रोकने के बाद अपने बेटे के चेहरे से नकाब पलटी, और जब नकाब उल्टी तो लोगों ने देखा कि 12-13 बरस का एक खूबरू नौजवान है, जिसकी तरफ देख के अमीरुल मोमिनीन कहते हैं देखो ये मैं नहीं हूँ, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चाँद है, ये बनी हाशिम का चाँद, ये मेरा बेटा अब्बास है। कितने फजाइल हैं आका के, हुस्न अपनी जगह, शजात अपनी जगह, वफादारी अपनी जगह, इताअत अपनी जगह, ये सारे खमीर जब मिल जाते हैं तब अब्बास का पैकर तैयार होता है। अब्बास को समझना ये मामूली काम नहीं है। अगर अब्बास को समझना है तो उस राह कलाम से आना होगा जो इमामतों का कलाम है, जो फजीलतों का कलाम है। 8वीं मुहर्रम की सुबह है, मौलाए कायनात ने जब अपने भाई अकील से यह मशवरा लिया था कि मेरे भाई मैं चाहता हूं कि अरब के किसी बहादुर कबीले से कोई खातून हो तो उससे अक्द करूं, ताकि अल्लाह मुझे एक बहादुर बेटा दे। अकील ने कहा कि आप बनी कलाब की फातिमा कलाबिया से अक्द कीजिए। मौला ने हजरत अकील को भेजा और उसके बाद अक्द अंजाम पाया। अब तारीख लिखती है कि जैसे ही फातिमा कलाबिया आई हैं, उन्होंने फौरन इस दहलीज का एहतराम किया, बोसा दिया है, और यह आवाज़ दी देखो मैं इस घर में फातिमा की जगह पे नहीं आई हूँ, बल्कि बिनते रसूल की कनीज बन के आई हूँ। और जैसे ही हसन व हुसैन ने एक मर्तबा माँ कह के लिपटना चाहा, फातिमा कलाबिया ने कहा शहजादो मैं आपकी माँ बन के नहीं आई हूँ, बल्कि इस घर में कनीज बन के आई हूँ। और अल्लाह अल्लाह कितनी हसास थी बीबी कि एक मर्तबा मौलाए कायनात से कहती हैं कि आका जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं तो उस वक्त मैं शहजादों के चेहरों का रंग देखती हूँ तो कैफियत बदली हुई होती है, उन्हें अपनी माँ याद आ जाती है। मेरे मौला मुझे फातिमा के बजाय किसी और नाम से पुकारिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ठीक है, मैं आपको फातिमा नहीं उम्मुल बनीन कह के पुकारूंगा। और जब बीबी को अल्लाह ने चार बेटे दिए तो बीबी को मौला उम्मुल बनीन कहने लगे। उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ। इसीलिए तो मकातिल में मिलता है कि जब मरवान जैसा शकी मदीने में जन्नतुल बकी के करीब से गुजरता था तो किसी बीबी के रोने की आवाज़ जब कानों में आती थी तो जालिम की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते थे। वो बीबी आवाज़ देती थी, वो कौन बीबी थी? वो अब्बास की माँ। जन्नतुल बकी में कब्रों के निशान अपनी उंगलियों से बनाती थी, ए मेरे बेटे जाफर, ए मेरे बेटे अब्बास, ये माँ तुम्हारा मातम नहीं करे।
अपने आका हुसैन का मातम करेगी। बेटों की खबरों के निशान बना रही है बीबी, मिटा रही है। ये माँ तुम पर मातम नहीं करेगी मेरे बेटो, ये माँ अपने आका हुसैन पे गिरिया मातम करेगी। ये काफिला जो 28 रजब को चला है, माँ ने वादे और वईद के साथ कसमें दिलाकर हजरत अब्बास को रवाना किया है। जब करबला आए हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि अब्बास के जोरे बाजू के साथ अगर बनी हाशिम के खानदान का एक एक चराग गुल होता जाए तो अब्बास के दिल पे क्या कयामत गुजर रही होगी। अब्बास को जंग करने की इजाजत नहीं मिल रही है, हाँ कभी लाशें उठाने के लिए आका के साथ मक्तल में जाना पड़ रहा है। अब्बास के बाजुओं में कुव्वत अब इसलिए है करबला में कि हुसैन के साथ लाशें उठा के खैमे में ले आए। और जब लश्कर हुसैन में सब शहीद हो गए, बस अली अकबर बाकी रह गए, खिदमत इमाम सैयदुश्शहदा में आते हैं, आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। एक जुमला इमाम सैयदुश्शहदा कहते हैं, हुसैन के टूटे हुए दिल का वो मरसिया है कि अगर महसूस कर लिया जाए तो रोने के लिए काफ़ी है। इमाम कहते हैं, भैया अब्बास तुम्हें जाने की इजाज़त कैसे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो। हज़रत अब्बास ने भी अपने दिल का मरसिया पढ़ दिया, ए आका वो लश्कर कहाँ है मैं जिसका आलमदार हूँ। अरे उन्होंने मोहम्मद मारे गए, कासिम टुकड़ों में तकसीम हुआ, ए आका वो लश्कर कहाँ है। हुसैन ने इजाजत दी है, लेकिन अब्बास की शजाअत को मशके सकीना का पाबंद बना दिया हुसैन ने, ए भैया जाओ लेकिन बच्चों के लिए पानी की सबील करते जाओ। आका अबुल फजल अब्बास मशको आलम लेके चले और जाने के बाद दरिया में उतर गए, पानी भर लिया। मुझे नहीं मालूम कि मशकीदा भरने में कितना वक्त लगा। वो मश्क जिसके मुतालिक मकातिल लिखते हैं कि नवी मुहर्रम की रात को वो मशकीदा जगह जगह से चटकने की कगार पे आ चुका था। बच्चों को नमी पाने के लिए बीबियां पहले तो मशकीदे पे लिटा देती थी, लेकिन शबे आशूर को मशकीदे से भी नमी कशीर नहीं की जा सकती थी। वो सूखी हुई मश्क लेके जब अब्बास आए हैं तो कितनी देर में मशकीदा भरा होगा। निकले मौला और वो 4000 की फौज जो अब्बास को देख के दूर भाग खड़ी हुई थी, जब अब्बास नशेब में उतर गए हैं तो वो फौज सिमट के आई है। और जो 4000 कमाने एक साथ कड़की हैं तो फिर हुसैन के कुव्वत बाजू का सीना छलनी हो गया है। अब्बास बाहर निकले, सारी कोशिश यही है कि मश्क खैमे तक पहुंच जाए। दाहिना शाना कलम हो गया, बायां बाजू कट चुका है, लेकिन अब्बास अपने जिस्म को सिपर बनाए चले जा रहे हैं कि मशकीदा खैमे तक पहुंच जाए। तारीख लिखती है कि दो तीर एक साथ जो सनसनाते हुए आए हैं, एक तीर मशके सकीना में लगा है, एक तीर अब्बास के सीने पे लगा है। मैं कहूँगा, अरे पहला तीर जो मशकीदे पे आया था वो तो खुद ही अब्बास के दिल पे लग चुका था, ये दूसरा तीर भी दिल के पार हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, आँख में भी तीर पैवस्त हो गया है, मश्क का पानी भी बह चुका है। आका अबुल फजल अब्बास जब तक मशकीजा सलामत था चाहते थे कि किसी तरह खैमे तक पहुंच जाए, लेकिन जब मश्क का पानी बह गया है, मौला ने अपने घोड़े से कहा कि मुझे मख्तल की तरफ ले चल, अब अब्बास खैमे में नहीं जाना चाहता है। एक मर्तबा रहवार ने कावा दिया और रहवार मख्तल में आया है। आका ने आँखों का जो तीर है वो अपने घुटनों में दबा के निकालना चाहा, बस यही वो लम्हा था कि जब एक आहनी गोल अब्बास के सर पे पड़ा, अरे अली का लाल, जमीने करबला पे आया, आवाज दी, ए मौला गुलाम की मदद को आइए। सैयदुश्शहदा चले किस तरह,
الان انكسر ظهري وقلت حيلتي اے میرے بھائی عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, راہ چارہ مسدود ہو گئی. حسین آئے ہیں, عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے, بازو نہیں ہے لیکن اللہ رے وفاداری, اللہ رے غلامی کا شرف. آقا ابوالفضل عباس نے اپنا سر حسین کے زانو سے نیچے رکھ دیا. امام عرض کرتے ہیں بھیا آخر وجہ کیا ہے, تم اپنا سر میرے زانو سے ہٹا کے زمین پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ مولا میری ماں نے ہمیشہ تلقین کی ہے حسین رسول کا بیٹا ہے, تمہارا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ مولا وہ آقا ہے. اپنے کو غلام سمجھنا, انہیں ہمیشہ آقا سمجھنا. لہذا اے مولا میرے قلادہ غلامی سے بعید ہے کہ غلام کا سر آقا کے زانو پہ ہو. حسین عرض کرتے ہیں میرے بھائی عباس تم تو میرے قوت بازو ہو, تم میرے بھائی ہو, اے عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. آقا ابوالفضل عباس کہتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. آقا چاہتا یہ ہوں کہ جب جا رہا ہوں دنیا سے آپ کی زیارت کرتا ہوا جاؤں, لیکن مولا کیا کروں, ارے ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا ہے. آقا زحمت نہ دیتا لیکن دونوں شانے کٹ چکے ہیں. آنکھ کا خون صاف کیا, زیارت ہوئی, امام کی خواہش بھی ہوٹوں پہ الفاظ میں تبدیل ہو کے آ گئی. اے بھیا عباس جب سے ہوش سنبھالا ہے تم نے ہمیشہ مجھے مولا وہ آقا کہا ہے, ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو. بھائی کہا, آخری وصیت کی, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا آقا, اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ سے, مشکیدہ مجھے بی بی نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا. اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے, مولا بہت شرمندہ ہوں پانی کا انتظام نہ کر سکا. میں کہوں گا مولا شاید آپ اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ سکینہ کہیں آپ کے لاشے کو دیکھ کے خود شرمندہ نہ ہو. اے چچا ارے کاش میں نے پانی لانے کے لیے نہ کہا ہوتا تو آپ کے بازو سلامت ہوتے. اے چچا ہماری پیاس نے آپ کو ہم سے چھین. وسيعلم الذين